किसान आंदोलन 2.2 के चौथे दिन शुक्रवार को हरियाणा बॉर्डर पर शांति। किसान डटे, अभी रविवार तक दिल्ली नहीं जाने की कही बात। हरियाणा के अंबाला में शंभू बॉर्डर पर एक किसान की मौत, हार्ट अटैक का आया कारण, फिर अस्पताल में इलाज के दौरान किसान की हुई मौत। बनभूलपुरा इलाके में भड़की हिंसा के बाद शुक्रवार को मस्जिदों में जुम्मे की नमाज पर रोक। पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील, जुम्मे की नमाज अपने घर पे अदा करें। पाकिस्तान में नई सरकार बनने से पहले ही आवाम को लगा झटका। अभी पाकिस्तान में नई सरकार को लेकर ऊहापोह जारी। इस बीच पाकिस्तानी आवाम पर महंगाई की मार। पाकिस्तान में न केवल डीजल पेट्रोल बल्कि गैस के दामों में भी इजाफा, इससे आवाम पर बड़ा बोझ पाया। जया बच्चन ने अपनी और अपने पति अमिताभ बच्चन की चल अचल संपत्ति की दी जानकारी। चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट के मुताबिक जया बच्चन से अधिक गहने अमिताभ बच्चन के पास। पश्चिम बंगाल में फिर सुबह सुबह ईडी का एक्शन। अब पार्थ चैटर्जी के करीबी के घर छापेमारी, लगा अलग केस। बांग्लादेश में हिंदुओं से बर्बरता की कुछ खबरें आई सामने। अलग अलग जिलों में कई हिंदुओं की देवी हिंदू देवी सरस्वती के पूजा पंडाल में तोड़फोड़, तो कई हिंदुओं से मारपीट। हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी, तो कई हिंदुओं के घरों को आग लगाया गया। अमेरिका खाड़ी देशों में मौजूद अपने आर्मी बेसिस से ईरान समर्थित रेजिडेंस को बनाया निशाना। अब खाड़ी देशों ने अमेरिका सेना पर पाबंदी लगाना कर दिया शुरू। अमेरिका के मित्र माने जाने वाले यूएई भी अब अमेरिका की बात नहीं मान रहा। सानिया मिर्जा से कोसों पीछे रह गए शोएब मलिक। बस एक बात पर शोएब मलिक को सानिया मिर्जा ने छोड़ा पीछे। इन दिनों सानिया और शोएब के बीच चल रहे तलाक में इन दोनों को ही सोशल मीडिया पर किया जा रहा वायरल। लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी मिलने के बाद भी शोएब सानिया की बराबरी नहीं कर पाए। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 16 फरवरी को ट्वीट किया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, बताया ज्योतिरादित्य सिंधिया से कार्रवाई की अपील। सांसद ने लिखा, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुंबई से दिल्ली जाने वाली आकाश एयर से दिल्ली आने पर ड्यूटी मैनेजर इमरान और उसके साथियों द्वारा षड्यंत्र कर मुझे बड़ी हानि पहुंचाने का किया गया प्रयास। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी कसा था तंज। उन्होंने कहा था, इनके शासन में तो कभी न्याय हुआ ही नहीं। शासन में रहते हुए जनता ने विकास और काम केवल प्रधानमंत्री मोदी के शासन में देखा। हल्द्वानी हिंसा में नहीं मारा गया था बिहार का प्रकाश। कांस्टेबल की पत्नी से अवैध संबंध में गई जान, पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा। दिल्ली के आलीपुर इलाके में भीषण आग लगने की घटना आई सामने। इस हादसे में 7 लोगों की झुलसकर हुई मौत, जबकि आग के चपेटे में आकर 22 कारें और 5 दुकानें जलकर खाक। इस्लाम धर्म में जुमे के दिन को बाकी दिनों से दी जाती है ज्यादा अहमियत। इस दिन को सब दिनों से कहा जाता है सरदार। मुसलमानों के लिए जुमे की नमाज अदा करना जरूरी है, इसकी खासियत कई ज्यादा। भारत बंद का आज असर दिखना शुरू। शुक्रवार को चौथे दिन में पंजाब हरियाणा के बीच प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली चलो के लिए राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने पर अड़े। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ठप होने के कारण क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर यात्रियों को फंसा देखा गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को चल रहे किसानों के विरोध को लेकर भाजपा पर किया तीखा हमला। उन पर रावण की तरह शासन करने और सभी नैतिक सीमाओं को पार करने और लक्ष्मण रेखाओं के प्रति घोर उपेक्षा दिखाने का लगाया आरोप। भारत बंद के बीच अंबाला पुलिस ने वीडियो किया जारी, जिसमें कई उपद्रवियों को पुलिस पर पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की। सुनील ग्रोवर संग बनी अदा शर्मा की जोड़ी, क्राइम कॉमेडी में दिखा दोनों का रोमांस, जल्द होगी रिलीज। वेब सीरीज पोचर का ट्रेलर रिलीज। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज जिसे आलिया भट्ट की प्रोडक्शन कंपनी इंटरनल सनशाइन प्रोडक्शन ने किया प्रोड्यूस। सीरीज को इंटरनेशनल एमी अवार्ड विनर फिल्म फेयर रिची मेहता ने किया डायरेक्ट। कई हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद अब बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस आलिया भट्ट वेब सीरीज पोचर में दिखाएंगी दमदार अंदाज। ऐसे सीरीज का हिस्सा बनकर एक्ट्रेस काफी खुश। हाल में ही सीरीज का ट्रेलर भी किया गया जारी। एक्ट्रेस ने इस खास मौके पर सीरीज से जुड़ने की बताई वजह। प्रियंका चोपड़ा ने पति और बेटी पर लुटाया प्यार, दिखाई अपने फॉरएवर वैलेंटाइन की एक झलक, कहा आपका दिल।